नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन। और त्योहारी सीजन है, त्योहारी सीजन और आज करवा चौथ का व्रत है। इंसार बाज़ार से लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां डीएसपी संदीप सिंह अपनी टीम के साथ बाज़ारों में निकले हैं सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर। बाजारों में पुलिस टीम पहुंची है, डीएसपी संदीप सिंह खुद मौके पर पहुंचे हुए हैं। बाजारों में वो निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था और जाम की स्थिति बाजारों में न बने इसको लेकर आज डीएसपी संदीप सिंह टीम के साथ पहुंचे हुए हैं और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम लोगों से अपील कि वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहें क्योंकि त्योहारों का सीजन है। आज करवा चौथ का व्रत है, आगे तमाम जो त्यौहार है वो रहने वाले हैं और आज जो डीएसपी संदीप सिंह है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं पुलिस टीम के साथ है। बता दें कि बाज़ारों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और जाम की स्थिति बाज़ारों में न बने इसको लेकर खुद डीएसपी संदीप सिंह मौके पर हैं। बता दें कि आज करवा चौथ का व्रत है और पानीपत में, जी हाँ पानीपत में बाज़ारों में 15 जो पॉइंट है वो चिन्हित किए गए हैं जहाँ पुलिस की जो टीमें हैं वो उपस्थित रहेंगी। पुलिस की टीमें बाज़ारों में तैनात रहेंगी ताकि आमजन खुद को असुरक्षित न समझे। सुरक्षा को लेकर तमाम जो टीमें हैं पुलिस की वो बाज़ारों में तैनात रहेगी। बाजारों में आप देख सकते हैं क्योंकि आज करवा चौथ का व्रत है और महिलाएं, जी हां महिलाएं बाजारों में खरीदारी करने के लिए पहुंच रही हैं। अपनी खरीदारी के लिए महिलाएं पहुंच बाजारों में महिलाएं निकल रही हैं, लगातार खरीदारी महिलाएं करती नजर आ रही हैं। देखिए अभी पानीपत का ये वेस्टर्न बाज़ार है, इंसार मार्केट, अभी मौका विजिट किया जा रहा है ट्रैफिक टीम के साथ और जहाँ जहाँ समस्याएं हैं जिन कारणों से जाम लग रहा है उन सारी समस्याओं का निवारण किया जाएगा। अगले दिवाली तक हमने 15 पॉइंट लगा दिए और 30 पुलिसकर्मी एक्स्ट्रा लगा दिए यहाँ, तो वो लोग कंटिन्यू काम करेंगे और व्यवस्था मेंटेन करेंगे। किसी भी सूरत में जो थ्री व्हीलर्स हैं, ई रिक्शा है, उन पे बैन लगाया जाएगा, उनको नहीं घुसने दिया जाएगा। अब सारी उसको जो यहाँ व्यवस्था है उसको मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ और उसके बाद फिर एग्जीक्यूट किया जाएगा। दुकानों के बाहर अतिक्रमण की स्थिति रहती है, बाहर सामान निकाल के रखते हैं? देखिए अभी आज शाम को निगम टीम के साथ अभियान चलाया जाएगा। कमिश्नर साहब ने 2 जेई डेपूट किए हैं इस काम के लिए, तो पिछले 20 दिन से सख्ताई की जा रही है, आज से और ज़्यादा सख्ताई की जाएगी। जो सामान बाज़ारों में सर आएगा दुकानदारों के लिए, उसके लिए कोई समय तय किया गया है? देखिए 10 बजे से लेके सुबह रात के 8 बजे तक किसी भी तरह का सामान यहाँ नहीं आया जाएगा, सिर्फ खरीदार आएंगे और वो लोग पैदल या बाइक पर आ सकते हैं। सुबह 10 बजे तक, जी हाँ रात के 11 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक जो सामान है दुकानों में वो आ सकता है। इसके लिए जो ऑटो हैं या ई रिक्शा है उन पर रोक लगाई जाएगी और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। शहर में किसी प्रकार की कोई स्थिति जी हाँ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आज पैदल मार्च जो है बाज़ारों में किया जा रहा है जिसकी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डीएसपी संदीप सिंह पहुँचे हुए हैं, 15 जो पॉइंट है बाज़ारों में वो बनाए गए हैं। पुलिस के 30 जो पुलिसकर्मी हैं उनकी तैनाती रहेगी, एक्स्ट्रा 30 पुलिसकर्मी यहाँ पर लगाए गए हैं। हर पॉइंट पर पुलिस की तैनाती रहेगी ताकि कोई भी किसी प्रकार को खुद को असुरक्षित न समझे। सुरक्षा व्यवस्था, जी हाँ सुरक्षा व्यवस्था यातायात को लेकर पुलिस की ओर से दिवाली तक, जी हाँ दीपावली तक ये जो व्यवस्था है वो बनाई गई है। 15 जो पॉइंट है वो बाज़ारों में बनाए गए हैं जहाँ पुलिस कर्मियों की तैनाती रहेगी। तमाम लोगों से अपील है कि वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। तमाम बाज़ारों में आज पुलिस की जो टीम है वो निकलती नजर आ रही है। डीएसपी संदीप सिंह को आपने सुना।
बाजार निका साहब क्या कहना चाहेंगे भी बाजारों में त्योहारों का समय और आज करवा चौथ का व्रत है, लगातार महिलाएं निकल रही है खरीदारी के लिए, कहीं ना कहीं खुद को असुरक्षित ना समझे? बिल्कुल, जिस हिसाब से डीएसपी साहब के ये प्रयास हैं और त्यौहार के दिनों को देखते हुए जैसे पानीपत ट्रैफिक पुलिस इस समय जो व्यवस्था बना रखी है, अभी आप देखते हुए आ रहे हैं कि यहाँ से आप पैदल भी नहीं निकल सकते थे और इस समय आप बिल्कुल एक थ्रू चलते हुए आ रहे हैं, तो इसी तरीके लोडिंग और जो ऑटो वगैरह का जो रोक लगाई है उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा और इसका कहीं ना कहीं भीड़ भाड़ का फ़ायदा जेब कतरे और जो ये हुड़दंग करने वाले होते हैं, असामाजिक तत्व होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा उठाते हैं, तो इससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, खासतौर पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। जी हाँ, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काफ़ी सवाल जरूर खड़े होते हैं और आज DSP संदीप सिंह खुद निकले हैं। खासतौर पर महिलाओं को, क्योंकि त्यौहार आज करवा चौथ का व्रत है, महिलाएं सुरक्षित रहें, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है बाजारों में ना आए, हुड़दंगबाजी करने वालों पर विशेष नजर रहेगी? देखिए, सिविल और यूनिफॉर्म में ड्यूटियां लगा दी गई हैं सभी बाजारों में जी, और जो इस तरह के तत्व हैं उन पे कड़ी नज़र रखी जा रही है जी, और सभी से जो बाजार में खरीदारी के लिए आ रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है वो खुद भी अलर्ट रहे जी। जो कीमती सामान है भाई वो बाजारों में अक्सर महिलाएं खरीदारी करती हैं त्योहारों का, तो रक्षा अपने पर्स और ज्वेलरी का महिलाएं ध्यान रखें और बिल्कुल अलर्ट रहें जी। कोई नंबर भी सर इसके लिए अलग से, कोई महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए भाई कोई अलग से कोई हेल्प किसी प्रकार की? डायल 112 पे सहायता ले सकते हैं अगर कोई समस्या होती है जी। सरकार ने सारे जो नंबर हैं वो इंटीग्रेट कर दिए गए हैं, सारी सुविधाएं 112 पर उपलब्ध है, तो डायल 112 की सहायता भी ले सकते हैं यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी बाजारों में आती है। सुरक्षा